Assalamualaikum. I am Colonel Retired Farooq Ahmed Rashid, serving as Director Planning and Development, DHA Multan. Here I want to highlight that we cannot compare DHA Multan with any other housing society, especially of the southern Punjab. I must admit, the task which is in front of me is really very, very difficult and high. But I assure you, DHA Multan, as per its reputation, will deliver. And inshallah, soon you will be seeing a very high quality housing scheme. अगर आप मौजूदा हालत में अगर विजिट करेंगे DHA को तो सबसे पहले आपको जो चीज़ नज़र आती है वो है the arena. Arena एक multi-purpose complex है जिसके अंदर state of art facilities दी गई हैं. इसके अंदर कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, ब्राइडल रूम्स, फ्लावर शॉप्स, कॉफी शॉप्स और वेरी वेल फर्निश्ड गेस्ट रूम्स प्रोवाइड किए गए. अब मैं आपको बताऊंगा प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट ऑफ DHA मुल्तान, DHA विलास. DHA विला में हमारे पास 6 मरले, 9 मरले और 12 मरले के घर हैं. 6 मरले 3 बेडरूम घर है, 9 मरले 4 बेडरूम घर है और 12 मरले में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, 4 बेडरूम और 5 बेडरूम. इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन ख़त्म हो गया है और अब ये फिनिशिंग पर है. यहाँ पर बिलाल मस्जिद तक कंस्ट्रक्शन है, जामिया मस्जिद के लिए बनाई जा रही है. इसमें 1200 नमाजियों के नमाज पढ़ने की गुंजाइश है. इसमें नमाज की जगह के अलावा एक लर्निंग एकेडमी और ख़वातीन के भी नमाज अदा करने की जगह अवेलेबल है. इसके अलावा इसकी एक एक्सक्लूसिव DHA मार्केट अरीना बनाया जा रहा है जिसके अंदर इस कम्युनिटी की तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जाएगा. DHA विला के साथ ही हमारी DHA मदर नर्सरी है. DHA मदर नर्सरी 50 एकड़ पर बनाई गई है. DHA फेज़ 1 की तमाम ग्रीन रिक्वायरमेंट यही DHA मदर नर्सरी पूरी करेगी. ये ना सिर्फ मैंगोस के ऊपर स्पेशल रिसर्च करके जदीद किस्म की नस्ल को इधर इंट्रोड्यूस करेगी, बल्कि इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आपको ऑर्नामेंटल और बाकी दरख्त नज़र आएंगे वो इंशाल्लाह यही नर्सरी प्रोड्यूस करके आगे डिलीवर करेंगे. अगर हम उससे आगे आते हैं DHA मदर नर्सरी से तो साइकस, साइकस पाकिस्तान का मोस्ट एडवांस मॉडर्न लर्निंग सिस्टम है और अपनी मेहनत से साइकस ने अपना नाम एक अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर नुमाया हुआ है. साइकस में ना सिर्फ बच्चों को तालीम दी जाती है बल्कि अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसा कि स्विमिंग, कराटे, लेटेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पे इनकी तालीम की जाती है. सेंट्रल स्क्वायर जो कि हमारा मेन कमर्शियल हब होगा को इंतहाई जदीद तरीके से डिज़ाइन किया गया है. यहाँ पर DHA ग्रैंड मॉस्क, DHA सेंट्रल लाइब्रेरी, DHA कल्चर सेंटर के अलावा IT टावर, फाइनेंशियल टावर और 5-स्टार होटल बहुत जल्द आएंगे. DHA मेन ऑफिस आप सबकी सहूलत को पेश नज़र रखते हुए बहुत जल्द मेन बुलेवर्ड के ऊपर ज़ेर तकमील होगा. इसके तमाम नेसेसरी ड्राइंग्स तैयार हो गई हैं और बहुत जल्द हम इसको बनाना शुरू कर देंगे. अपने कस्टमर्स की मौजूदा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जब तक DHA मेन ऑफिस पाया तकमील को नहीं पहुंचता, DHA साइट ऑफिस कंस्ट्रक्शन करके शुरू की हुई है जो कि बहुत जल्द पाया तकमील को पहुंच जाएगी और इंशाल्लाह हम कुछ ही अरसे बाद अपने तमाम कस्टमर्स को DHA के अंदर ही तमाम ट्रांसफ़र और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे. कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए DHA साइट ऑफिस के साथ डीलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स इनक्लेव अपने इख्तितामी मरहल में है. इसके बाद तमाम ट्रांसफ़र्स
और मार्केटिंग फैसिलिटीज तमाम कस्टमर्स को साइट पर ही अवेलेबल होंगी। रोमेंजा गोल्फ कोर्स पाकिस्तान का पहला सिग्नेचर गोल्फ कोर्स है जिसको सर निक फॉल्डो ने डिजाइन किया है। सर निक फॉल्डो 14 टाइम गोल्फ के चैंपियन रहे हैं और गोल्फ के एक इंतहाई अहम शख्सियत हैं। इनको इनकी खिदमात के तौर पर क्वीन एलिजबेथ ने सर का एजाज भी दिया। रोमेंजा इंतहाई जदीद और अपनी नवीयत का न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में एक स्पेशल गोल्फ कोर्स होगा एंड दिस विल बी द फर्स्ट सैंड फिल्ड गोल्फ कोर्स। इसके 18 होल्स न सिर्फ एक गोल्फ प्लेइंग एक्सपीरियंस आपको देंगे बल्कि इसका क्लब हाउस और इसकी रेजिडेंशियल कम्युनिटी अपनी इनफरादी व्यू की वजह से बेमिसाल होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसकी रेजिडेंशियल कम्युनिटी का भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जहां तमाम सेक्टर्स में बुनियादी स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हैं, वसीम अकरम सर्दन पंजाब के तमाम बच्चों को न सिर्फ अजीम खेल से रोशनास कराएंगे बल्कि तमाम क्रिकेट के अलावा भी जितनी स्पोर्ट्स हैं उनको मुहैया किया जाए। यहाँ एक और चीज़ जिसके ऊपर DHA मुल्तान प्राइड लेता है वो है हमारा एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी। एजुकेशनल एंड मेडिकल सिटी तकरीबन 300 एकड़ पर मुहित इलाका है जिसके अंदर जदीद हस्पताल और इंतहाई मशहूर और अहम यूनिवर्सिटीज़ को लाया जा रहा है। नमल के साथ MOU हो गया है और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत जल्द अपनी यहाँ पर तामीर का आगाज कर देंगे। यहाँ पर मेडिकल सिटी जो कि एक मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और जदीद अस्पताल पर मुहित होगी और एजुकेशनल सिटी के अंदर लैंग्वेज, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, सोशल साइंसेस और IT की यूनिवर्सिटीज लाई जाएंगी। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अलावा जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत जल्द आप DHA मुल्तान में एक जू, थीम पार्क, वाटर पार्क, 3D 5D सिनेमा, फूड स्ट्रीट और एक राइडिंग क्लब देखेंगे।